आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार स्थिति 2015 के मुकाबले बिल्कुल अलग है। आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिजली की समस्या का निदान होता नहीं दिख रहा है। आप सबके दिमाग में जो बात बैठी हुई है, आपके नहीं मीडिया वालों के, वो बैठी हुई है 2015 की बात कि जब ये 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीत कर आई थी। 2015 की परिस्थिति बिल्कुल अलग थी और 2020 की परिस्थिति बिल्कुल अलग है, और उस परिस्थिति के अंदर ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने विश्वास किया एक नए आदमी पर, ये सोचकर कि ये व्यक्ति दिल्ली की शक्ल बदलेगा। मैं इस झंडे की ऊंचाई देख रही हूं तो मुझे लग रहा है कि वो तारों में लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। ये हालत आपके क्षेत्र की कर रखी है, जहां पर तारे ही तारे नजर आती हैं, बिजली की समस्या का निदान नजर नहीं आता। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और एसडीएम गुंजा सिंह पर पथराव का मामला सामने आया, जिसमें एसडीएम गंभीर रूप से घायल हुए। बताया जा रहा है कि प्रशासन और पुलिस की टीम एयरपोर्ट की जमीन का अधिग्रहण करने गई थी, लेकिन रोही गांव के किसानों ने मुआवजे की मांग पूरी नहीं होने का आरोप लगाते हुए पथराव कर दिया। फिलहाल घायल एसडीएम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहराइच के दरगाह इलाके में मिल कर्मचारी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौत के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है, फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बहराइच में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम खत्म होने के बाद घर जा रही दो छात्राओं को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंद दिया। एक छात्रा ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया, जबकि दूसरी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रामपुर के पटवाई क्षेत्र स्थित बकेनिया गांव में कुएं से दो शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं परिजनों ने हत्या के बाद शव कुएं में फेंके जाने की आशंका जताई। परिजनों का कहना है कि दोनों दोस्त दो दिन से लापता थे, फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। रामपुर में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाशों के पैर में गोली लगी है, साथ ही एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की माने तो आरोपियों ने नाबालिग से रेप के बाद उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद अब पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। भावा में जल निगम द्वारा बनाई जा रही परियोजना अगस्त 2019 से ठप पड़ी है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित इस योजना में 28 करोड़ से भी ज्यादा की लागत स्वीकृत की गई थी, जिसके तहत कुलपहाड़ तहसील के 25 ग्रामीण अंचलों तक पानी पहुंचाया जाना था, लेकिन अगस्त 2019 से महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण कार्य अब तक रुका हुआ है। काम ठप होने के चलते फिलहाल ये योजना अधर में लटकी है। अमरोहा जनपद के थाना सैद नगली इलाके में अज्ञात युवती का शव बरामद हुआ, जिसकी गोली मारकर हत्या की गई है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी, फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। बटाला से निकलने वाले हरगोविंदपुर होशियारपुर चंडीगढ़ सड़क की हालत बस से बदतर हो चुकी है, जिसके बाद आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने जालंधर बटाला सड़क को जाम कर दिया। इस दौरान पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।